हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हमारे सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2019 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बेरोजगार युवाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। लगभग देख सकते हैं आप 5,000 पदों पर जो है राजस्थान सॉरी दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है वो होने जा रही है। तो दोस्तों इस बार जो दिल्ली पुलिस की भर्ती है 2019 में, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा जो बदलाव है इसके अंतर्गत इस बार फिजिकल से पहले टेस्ट लेने का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, बताया गया है। इसी के अनुरूप दूसरी हम सबसे बड़ी इसमें बदलाव की बात करें तो आयु सीमा को भी बढ़ाया गया है। पहले 18 से 23 साल थी, अब उसे बढ़ाकर 18 से 25 साल कर दिया है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्या बताया गया है, क्या क्या जानकारी बताई गई है, कितने पदों पर भर्ती होगी, कब से इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, कितनी इसकी लास्ट डेट है, क्या इसका प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में उपलब्ध कराने वाला हूँ। इसके लिए आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए। मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा आग्रह करूँगा, प्लीज़ इसी तरीके की लेटेस्ट वैकेंसियों से संबंधित वीडियो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने इस वीडियो के नीचे जो रेड सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही दोस्तों अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके एक छोटे से घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा उसको दबा के भी ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए वो सबसे पहले आप बिना किसी मिस किए हुए देख सकें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को के भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है इस परीक्षा में भाग ले सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जॉब भास्कर जॉब की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बुधवार 12 जून 2019 की अपडेट है। आवेदन प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो सकती है, लिखित परीक्षा के बाद होगा अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट। इस बार दोस्तों देख सकते हैं लिखित परीक्षा जो है पहले कराई जा रही है और फिजिकल जो है बाद में कराया जा रहा है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 5,000 पदों के लिए भर्ती निकलेगी। देख सकते हैं पहला चरण जो शारीरिक दक्षता से नहीं जुड़ेंगे नंबर, इस बार जो है फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ पाएंगे। देख सकते हैं 1600 मीटर की रेस है, 14 फीट ऊंची लंबी जंप यहाँ पे दे रखी है। उसी तरीके से महिलाओं की बात करें तो 1600 मीटर दौड़ और 14 फीट जंप की जगह 10 फीट जो जंप है वो यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद दौड़ में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से लंबी कूद कराई जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बता रखा है कि शारीरिक दक्षता में जो अभ्यर्थी पास होंगे उन्हें ही फिजिकल के उन्हें ही देख सकते हैं इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। दूसरा चरण आप देख सकते हैं 90 मिनट में देने होंगे 100 सवालों के जवाब। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी टाइमिंग जो है 90 मिनट रखी गई है, 90 मिनट के अंतर्गत आपको 100 प्रश्न जो है हल करने हैं। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं 5,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होनी वाली है। देख सकते हैं आप यहां पे आयु सीमा भी बता रखी है, पुरुषों के लिए 18 से 21 साल और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल यहां पे बता रखी है आयु सीमा। उसी तरीके से हम बात करें तो देख सकते हैं इस बार अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा देनी होगी, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया है इस बार अभ्यर्थियों को पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल परीक्षा में शामिल किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए आप यहाँ पर साइट भी देख सकते हैं, साइट का लिंक यहाँ पर दे रखा है। अगर हम योग्यता की बात करें तो 10+2 अब इसके अंतर्गत शामिल किया जा रहा है, यानी कि 12th पास होना चाहिए। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बता रखा है इसका जो शुल्क है 100 रुपये आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा फॉर्म का जो शुल्क है। उसके बाद फॉर्म की ऑनलाइन डेट जो देख सकते हैं जुलाई के लास्ट सप्ताह में या जुलाई के फर्स्ट वीक, मतलब कहने का मतलब जुलाई के महीने में इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देख सकते हैं एग्जाम से संबंधित तो परीक्षा में 25% रीजनिंग के 25 अंकों के और 50% सामान्य अध्ययन के 50 अंकों के, 15% गणित के और 10% कंप्यूटर के, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है लगभग। और देख सकते हैं उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं 15% जो है गणित के, 15 अंकों के और 10 कंप्यूटर के, इस तरीके से यहाँ पर लगभग जो है 100 प्रश्नों का शेड्यूल यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक अंक यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है दिल्ली पुलिस को लेके, लगभग 5,000 पदों पर दिल्ली पुलिस की भर्ती होने जा रही है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अभी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आगे भविष्य में लेटेस्ट वैकेंसी से संबंधित वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखना चाहते हैं तो दोस्तों अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा के ऑन कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।